नमस्कार, इंडियन न्यूजच्या मध्ये मी विजय महाजन आपले स्वागत करतो. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. गुजरात राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या चौथ्या विजयाच्या जोरावर ब्रहाणपूर येथे नगराध्यक्ष श्री अनिल भोसले यांनी व त्यांच्या इतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोषात स्वागत केलेलं आहे. आमचे प्रतिनिधी दीपक पराडकर यांचा आढावा. आगे पीछे लेकिन हमको गौरव की बात यह होना चाहिए कि देश में कहीं नहीं हुआ और जिनका लोगों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और गुजरात की जनता ने. देश में लगातार कहीं नहीं थे, लगातार 27 साल तक आने वाले दिनों में भारत कि इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुनकर आए और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसका ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का जो दायित्व तो संभाला और उसने देश की जो गंदगी साफ करने का बीड़ा उठाया, स्वच्छता अभियान से जो शुरू किया, नोटबंदी से लगा के GST तक लेकर आए हैं, उस सबकी परीक्षा थी. यह चुनाव आने वाले लोकसभा के चुनाव के पहले का सबसे कठिन चुनाव था, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था. वो इसलिए भी था क्योंकि सबको मालूम था, मेरे कुछ मित्र भाई है कांग्रेसी भाई, जनता पार्टी की सरकार दो प्रदेशों में बनने जा रही है, एक गुजरात और दूसरी हिमाचल प्रदेश में. लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, लगातार 22 साल भाजपा की सत्ता रही और भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रहा, लेकिन आने वाले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ रहेगा. लगातार 27 साल तक ऐसा देश में पहला प्रदेश बनने जा रहा है जिसमें 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा. मैं हिमाचल प्रदेश की भी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार दे रही. आने वाले समय में हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ मैंने दोनों प्रदेश जीते हैं, आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश में भी जो हमारे विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं उसमें हमारे बुरहानपुर जिले से हम दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताए और आने वाले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः हम मध्य प्रदेश में भी चौथी बार सरकार भाजपा की बनाने के प्रयास में लगेंगे. आपने मध्य प्रदेश की जो जनता हमारे शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास को देखती है, विकास अनुभव करती है, उसी प्रकार जिस प्रकार गुजरात में विकास हुआ, आने वाले समय में भी हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में भी चौथी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी. आप बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद. पुन्हा भेटूया पुढील घडामोडीमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा इंडियन न्यूज एक्सप्रेस, सत्याचा खंडणी गावात.